रीवा में कोरोना का एक और पेशेंट मिला, वहीं एक संक्रमित व्यक्ति की हुई मऊगंज में मौत। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मंगलवार की देर शाम तक रीवा में 3 पेशेंट अस्पताल में भर्ती थे, 3 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। शहर में मिलने वाला यह मरीज अपनी बहन के साथ दिल्ली से इलाहाबाद तक हवाई जहाज में आया था। आगे का सफर चाचा के साथ अपने वाहन में करके घर में क्वारंटाइन था। बहन व चाचा भी क्वारंटाइन किए गए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में। वहीं क्वारंटाइन हुआ एक व्यक्ति मऊगंज में, जिसकी मौत हो गई। देखिए यह रिपोर्ट। रीवा के भीड़भाड़ वाले इलाके रतहरा में फिर एक युवक मिला कोरोना वायरस से संक्रमित। यह युवक पिछले दिनों दिल्ली से अपनी बहन के साथ इलाहाबाद तक हवाई जहाज से आया था। आगे का सफर उसने अपने चाचा के साथ किया था। वहीं मऊगंज में एक व्यक्ति की मौत हो गई, बाद में उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। कहा जा सकता है रीवा में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पहली मौत भी हुई। युवक की बात की जाए तो रीवा में उनका परिवार, चाचा और बहन को क्वारंटाइन किया गया है। पूरे परिवार के सैंपल लिए गए, जाँच के बाद युवक की रिपोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए। युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस तरीके से रीवा में कोरोना वायरस के अभी तक 37 मरीज पाए गए, उनमें से 4 की मौत हो गई, 3 का इलाज चल रहा है, बाकी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना को लेकर हमने रीवा जिले के CMHO डॉक्टर RS पांडे से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे आई है हमारे अर्बन रीवा, मतलब रतहरा जो एरिया कहलाता है, वहाँ से हैं। वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से वो अपनी बहन के साथ आए थे से प्लेन से इलाहाबाद तक। इलाहाबाद में उनके चाचा उनको लेने गए थे। वो आए थे 5 तारीख को और 6 को उनको सैंपल लिया गया था, और सैंपल लेने के बाद कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको यहीं पे जैसे सैंपल लिया गया था तो यहीं पे रख लिया गया था हॉस्पिटल में ही, मतलब उसमें क्वारंटाइन में। कल उनकी रिपोर्ट आई है। अब दिल्ली तो हॉट स्पॉट है, दिल्ली में आने पर सभी की जांच की जाती है। उनको भी कुछ तकलीफ थी तो आ गए थे, तो उसके बाद उसका पॉजिटिव आ गया है। मऊगंज में भी एक मौत की कुछ खबर आ रही है, क्या है? हाँ, जानकारी हमको भी प्राप्त हुई है। ये व्यक्ति 29 तारीख को जो वहाँ से बॉम्बे से चले थे, और करीबन 15 लोग थे, 29 में से 30 तारीख को शाम के 7 बजे रीवा पहुँचे थे। रीवा स्टेशन में इनकी जांच भी हुई थी, लेकिन उस समय कोई सिम्टम ना होने के कारण उनको घर में क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई थी। ये इनको फिर 3 तारीख को कुछ तकलीफ हुई है, झलवार गांव के थे, मऊगंज ब्लॉक का झलवार गांव है। इनको कुछ तकलीफ हुई 3 तारीख को, एक किसी वहाँ पर लोकल प्रैक्टिशनर्स के पास गए थे, उन्होंने दवाई दी थी तो कुछ आराम हो गया था। 5 तारीख को फिर उनको कुछ तकलीफ हुई है, तो प्रैक्टिशनर्स ने दवा करने से मना कर दिया था, और इसके बाद फिर वो एम्बुलेंस बुलवाया था। एम्बुलेंस जहाँ 108 गाड़ी जो अपने लोकेशन पर थी वहाँ से वो जा भी रही थी, लेकिन उन व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं, मेरे को बाहर नहीं जाना है, मैं घर पे हूँ, मेरे को अभी तबीयत मेरी ठीक है। इतना कह के वहाँ से घर चले जाते हैं, और दुर्भाग्यवश रात के 5 और 6 के दरमियान ही रात थी, रात के लगभग 12 बजे के आसपास उनकी 6 तारीख को उसमें उनकी डेथ हो जाती है। कोरोना पॉजिटिव थे। जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है, सुबह हमको पता चलता है कि ऐसी एक दुर्घटना हो गई है। हमने तत्काल BMO को भी निर्देशित किया, BMO ने हमको कॉल करके जानकारी दी कि एक ऐसी मृत्यु हुई है जो बम्बई से आए थे। तो हमने उनको कहा कि आप तो तत्काल उनके घर जाइए, उनको जो डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बाकी आगे की कार्रवाई करने के लिए सचिव के सहयोग से कार्रवाई कराइए, और संभव हो तो उनका सैंपल भी ले लिया जाए ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। 8-6 तारीख को उनका सैंपल ले लिया गया था। उनके घर के जो संभावित लोग थे उनको तत्काल मतलब सैंपल उनका भी ले करके और उनको क्वारंटाइन में रख लिया गया था, होम क्वारंटाइन में उनको निर्देशित कर दिया गया था कि आप अभी किसी तरह से अभी 1 सप्ताह नहीं निकलेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई समस्या होने पर, कोई लक्षण आने पर आप तत्काल सूचित करेंगे। ये BMO कह के इतना उनको उन्होंने निर्देशित किया था। अब ये रिपोर्ट कल 8 तारीख को रात की लैब में टेस्ट के लिए 6 को सैंपल हुआ और सैंपल यहाँ आ गया था रीवा, 8 को रिजल्ट आया है, रिजल्ट में वो पॉजिटिव है। तो चूँकि कोविड से डेथ हुई है
तो माना जा सकता है कि कोविड ही उसकी मृत्यु का कारण रहा होगा। अनलॉक टू के दूसरे चरण में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।